दस बारह बारह साल से पहले दो रोज़े के लिए बच्चे को कहना ही नहीं चाहिए और अगर वो भी दिन छोटे हों छोटे रोजे रखने के लिए कहें हैं है? हजरत मुसलिम ने तो लिखा है कि मुझे हजरत मसिम ने बारह साल की उम्र में पहली दफ़ा रोज़ा रखने की इजाज़त दी थी ठीक है और उसके बाद बच्चों की ग्रोथ के दिन होते हैं इसलिए उनको मजबूर नहीं करना चाहिए अगर वो चाहे रोज़ा अपनी खुशी से रखना तो उसे को और रखो लेकिन तुम्हारे इतने लंबे रोज़े हैं तुम पूरा नहीं कर सकते तुम दिल में ये इरादा करके रख लोगे अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे तो रस्त खोल दोगे तो बीच में ताकि उसको उसकी नीयत का स्वभाव मिल जाए अवल तो ये है कि आजकल अठारह घंटे का रोज़ा तो हम खिला देते हैं कि अठारह घंटे बाद आप खोल लें क्योंकि यूरोप के बाकी मुल्कों के साथ रखने के लिए नहीं तो अगर आपने अपने दिन और रात का हिसाब करना है तो आपका रोज़ा तो बाईस घंटे का है स्वीडन में हाँ जी है ना हाँ जी मई जून में हाँ जी हाँ जी बाईस घंटे का हो जाता है ना हाँ जी बिल्कुल तकरीबन तो फिर और यो तो ज़बरदस्ती गैरहमदी करवाते हैं इस तरह पाकिस्तान में भी इस तरह गर्मियों में रोज़ा रखवा दिया लंबे दिन थे एक बच्चे को बच्चा बार बार पानी की तरफ दौड़ता था प्यास उसको कमरे में बंद कर दिया शाम को जो बच्चे की दावत की मेहमान बच्चों को बुलाया कि हमारे बच्चे ने रोज़ा रखा हो कमरा खोला तो बच्चा प्यास से कमरे में मरा पड़ा था तो ये जो सख्तियाँ हैं ना ये बिल्कुल गलत हैं ठीक है ठीक है? है इसलिए बच्चों को, को उम्र ही नहीं है सोलह पंद्रह सोलह साल की उम्र के हों तो फिर रोजे रखने शुरू करें आदत डालें और जो अठारह साल की उम्र में जब ज़्यादा पूरे ग्रोथ हो जाए तब है कि बकायदा रोजे रखने चाहिए उसको बर्दाश्त की आदत पैदा हो जाती है सत्रह अठारह साल की ये उम्र नहीं है आ रही कि ग्रोथ डिपेंड करता है हालत पे